हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मैक ब्लॉग्स। दोस्तों आज हमारा ये पहला ब्लॉग है ट्रेंड मराठी। जो भी फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि हम मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले थे और फाइनली हमने आज स्टार्ट कर दिया गाइस। और ट्रेंड मराठी को तो आप सभी जानते हैं, बट ये हमारा न्यू चैनल है, ये हमारा ब्लॉगिंग चैनल है और फाइनली हमारी फर्स्ट वीडियो है। एंड वी होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आने वाली है। और आज हम आ गए मेडिकल पार्क और अक्षरधाम म्यूजिकल फाउंटेन को एंजॉय करने के लिए वो नोएडा सेक्टर आ सकते हैं 91 में एंजॉय करने के लिए। और इवन यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इवन मेट्रो है गाइस। जिनको भी लगता है थोड़ा दूर है वो मेट्रो से आ जाओ। वैसे हम तो अपने व्हीकल से आए हैं बट आप मेट्रो से भी आ सकते हैं। आप चाहो तो पिकनिक एंजॉय कर सकते हो, वीकेंड प्लान कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। तो फटाफट आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पार्क और बाकी बातें साथ में करेंगे। चलो पार्क के अंदर चलते हैं। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करें एंड लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। ये एरिया काफी है ना अच्छा है, मतलब है ना कुछ कुछ जगह तो मतलब ये बहुत ही रॉयल सा लुक है। और मतलब जैसे आपने पहले भी गार्डन ऐसा है ना, और यहाँ पे जो ये वाला एरिया है मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इतनी धूप हो रही है क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल रॉयल पैलेस वाला ही लुक लग रहा है। ये गजेबो हट यार काफी अच्छा है, मतलब यहाँ पे है ना खड़े होके इतना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा क्या बात है। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग टाइप के है ना मेडिकल प्लांट है। तो यहाँ पे एक कोई प्लांट है पुत्र जीव, और ये कोल्ड ऑफ फीवर के लिए इन्हें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पूरा गार्डन है, तो हमने पहला प्लांट यहाँ पे देखा है। और आजकल कोरोना के टाइम पे मुझे लग रहा है कि इसकी डिमांड तो कुछ ज़्यादा ही होगी। और अभी हम देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और आगे आना हमें कौन कौन से प्लांट मिलते हैं। तो यार आप एक पार्क देखोगे ना, इतना पीसफुल है, इतना रिलैक्स आपको है ना फील होगा। लेकिन इतनी क्लीननेस यहाँ पे जो है ना, तो उसके लिए डस्टबिन बहुत ज़रूरी है। और इन्हें है ना जगह जगह है ना ऐसे डस्टबिन लगा रखे हैं, तो काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा है। उस साइड भी है ना डस्टबिन इन्हें लगा रखा है, तो ये चीज़ काफ़ी है ना अच्छी है। तो गाइस अब ये वाला सेक्शन जो कि हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, अपराजिता इस ट्री का नाम है और ये बेसिकली यूज होता है एपिलेप्सी, काजल के है ना गले में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। और यार इस टाइम तो है ना जो मौसम चेंज हो रहा है ना, तो ये चीज सबके लिए यार नोट करते जाना। आप लोग है ना कमेंट में बताना कि है ना आप लोगों को है ना कितने प्लांट्स के बारे में पहले से पता था और पहली बार कौन से प्लांट्स के बारे में आपको जानने को मिल रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है सारे ही प्लांट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही कम लोग हैं अभी पार्क में, बिकॉज अलाउड नहीं है। हमने परमिशन मांगी है स्पेशली लोगों से, गार्ड भैया से, उन्होंने हमें अलाउड किया है और हम जा रहे हैं अंदर, बिकॉज यहाँ शाम को 6 बजे से अलाउड है आना। अब व्यू देखो क्या व्यू है, यहाँ पर बहुत सारे कपल्स भी आए हुए हैं। अभी हम आपको कपल्स दिखाएंगे, चल रहे हैं धीरे धीरे कपल्स की तरफ, ही हमारा मिशन है लोगों को पकड़ना है। संडे का दिन पहले ब्लॉक के साथ, व्यू देखो उधर आप देख पा रहे हो, इधर जो दिख रहा है ये फाउंटेन का एरिया है। अभी हम आपको पास से दिखाएंगे इस एरिया को, कि जनता हमसे यही पूछती रहती है वी आर टॉयलेट लेस कंट्री, बट उन्हें कोई जाके बताए, उन्हें कोई जाके बताए कि हमारे पार्क में भी ना टॉयलेट होते हैं। वो भी ऐसे वैसे टॉयलेट नहीं होते हैं, बिल्कुल सारी फैसिलिटी होती है। ऊपर देखो टंकी भर चुकी है और टंकी से पानी तक गिर रहा है, इतना पानी है इंडिया के पास। इस पार्क के टॉयलेट पर विजिट करने वाले देखते हैं कैसा टॉयलेट है, होप स्मेल तो बिल्कुल ही ना है। पर ये लोग हैं, लोग मानते नहीं हैं, उन्हें कुछ भी लिखना है। ओह माय गॉड, ताला मार रखा है,
गंदा ना हो। मैं एक ही बात बोलूंगी, अगर आप नेचर लवर हो ना तो मस्ट विजिट दिस प्लेस बिकॉज़ तुम्हें नेचर से फिर और ज्यादा प्यार हो जाएगा मेरी तरह। यार मतलब तुम पागल हो जाओगे लिटरली, तुम खुशी से बाग में जाओगे तुम्हें कितना मजा आएगा ना, ये पूछो मत। क्या हम दोनों को यहां पे बहुत मजा आ रहा है और सीरियसली मैं शाम तक नहीं जाने वाले, मैं पूरा म्यूजिकल शो देख के ही जाऊंगी। यार म्यूजिकल फाउंटेन 7 बजे स्टार्ट हो रहा है और हम सुन सोचते हैं दिन में जाके क्या करेंगे, लेकिन इस टाइम आ गया हमें इतना मजा आ रहा है कि यहां पे बिल्कुल लोग है ना के बराबर है और हमें एंजॉय करने को मिल रहा है। और 75 पीपल्स की एंट्री है और रात में भी हमेशा 1 घंटे का वेट करना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा। जस्ट टू सी द शो एंड beautiful amazing। बहुत ही अमेजिंग है गाइस, दिन में इतना प्यारा लग रहा है, अगर रात होगी रात में लाइटनिंग के साथ कितना प्यारा लगेगा आप लोग सोच सकते हैं। गाइस अब हम जा रहे हैं फाउंटेन एरिया का शूट लेने और वैसे हम रात को भी विजिट करेंगे बट हम डे में भी देखना चाहते हैं वो कैसा है। ये लोकेशन है और यहाँ पे सिटिंग कर रखी है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से एंड स्टिल वर्क इज गोइंग ऑन। और क्योंकि रात में 7 बजे ये खुलेगा तो यहाँ पे दैट्स अमेजिंग, मतलब हमारे यार ये चीज देखने को मिल गई तो काफी अच्छी है। इसमें कलर्स भी दिखते हैं बट रात में ही दिखेंगे बिकॉज लाइटनिंग करेंगे तो कलर फाउंटेन मल्टी कलर फाउंटेन स्टार्ट। म्यूजिक भी आ गया गाइस, दिन में हमें देखने के लिए मिलेगा ये तो हम सरप्राइज हो गए, हमें लगा नहीं था। मैंने लास्ट टाइम में देखा था वो देखा था मैंने देखा था गाइस जो मैंने लास्ट म्यूजिक शो देखा हुआ है ऐसा मेरी रात में इतना बता था। बट ये देखो आपको दिन में टेस्टिंग के बाद देखने को मिल रहा है, यू आर सो लकी गाइस। अभी जैसे खुला था यहां पे काम चल रहा है। ओह माय गॉड, अब म्यूजिक को एंजॉय करो गाइस। पूरे 40 मिनट का शो होता है ये रात में बीट के साथ हो रहा है। म्यूजिक बीट सारी है अंदर ये फाउंटेन निकल रहा है और रात में गाइस वी कैन सी कलर्स इन इट, मतलब लाइट इफेक्ट्स आ जाएंगे, मतलब दिस इज टोटली यूनिक समथिंग दैट मतलब क्योंकि लाइट इफेक्ट्स आ जाएंगे अमेजिंग, दिस इज टोटली यूनिक मतलब समथिंग व्हिच। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, आपको थोड़ी लाइट्स दिख भी रही होंगी। हां बीच में है, डिस्प्ले हो रही है वहां पे। वाओ, एक अलग ही एक्सपीरियंस है यार, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस, मतलब हमें दिन में इतना अच्छा लग रहा है, रात में तो मतलब यहाँ पे तुम कोई भी इंसान की कोई भी प्रॉब्लम हो ना वो भूल जाएगा ये नज़ारे देख के। ये वाला देखो ये, वाओ ये चीज़, एक एक बीट पे एक एक सेकंड पे आना यहाँ छोड़ रहा है। ओह माय गॉड, वो कितना ऊपर तक गया। It's awesome guys, must visit and enjoy it. ये है सिटिंग एरिया यहाँ का और अभी अराउंड 75 लोगों को एट अ टाइम है यहाँ अलाउ किया जाता है और शाम के 7 बजे जो एंट्री गेट है उस पर इतनी ज़बरदस्त भीड़ लग रही होती है तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी रात में विद लाइट्स विद साउंड अमेजिंग। तो गाइस अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा म्यूजिकल फाउंटेन का डांस दिखाने वाले हैं। मेक श्योर टू विजिट द नेक्स्ट वीडियो, अगर ये पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना और दूसरे वीडियो में पूरा डांस देखने के लिए सारे के सारे आ जाना। जी हाँ, क्योंकि म्यूजिकल फाउंटेन रात में लाइट के साथ कुछ अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा। ये दिन का व्यू था, अब हम रात का व्यू आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। तो गाइस मेक श्योर टू विजिट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।